हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं यम्मी सा चॉकलेटी बट ऑरेंज फ्लेवर केक। यस फ्रेंड्स, ऑरेंज फ्लेवर केक के लिए हम स्टार्ट करेंगे रेसिपी। यहाँ पे मैंने बटर लिया है जो 75 ग्राम बटर है। ये मैंने 1 कप शुगर लिया है जिसको मैंने पीस लिया है। यहाँ पर 1 कप इस कप से मैंने मैदा लिया है और इसमें बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून ऐड करके इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है अच्छे से। और ये मैंने बोल में 2 एग्स ले लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस। सबसे पहले हम शुगर को ऐड करेंगे बटर में और इसे स्मूथली हम बीट करेंगे टिल इसका टेक्सचर थोड़ा येलो से वाइट होने तक। हमने वैसे ही शुगर को मेल्ट मतलब ग्राइंड कर लिया है ताकि ईजिली मिक्सअप हो जाए। देखिए बटर का कलर चेंज हो गया। इसको कुछ देर बीट करेंगे कंटिन्यूसली। और यहाँ पे मैं ऑरेंज जो फ्लेवर लेने वाली हूँ वो रियल ऑरेंज को मैं जूस निकाल के लूँगी। ये मैंने एग बोल में जो रखे थे 2 एग्स हैं ये, इसको मैं बीट कर लूँगी। और फिर इसमें ये वाला मटेरियल जो मैंने स्मूथली बीट किया है मिक्सचर शुगर एंड बटर का ऐड करूँगी। अब इसे फिर से स्मूथली बीट करना है टिल इट मिक्स प्रॉपरली। ये प्रेशर कुकर में बनने वाली रेसिपी है जो बहुत ही इजी और सिंपल है। आप कभी भी इसे चाहे तो बना सकते हैं। ये इंग्रेडिएंट हमारे घर में अवेलेबल होते हैं अगर आप एग खाते हैं तो। अब मैं इसमें वेनिला एसेंस ऐड करूँगी, थोड़ा सा वेनिला एसेंस। अब ये मिक्सचर जो हमारा रेडी है इसको मैं धीरे धीरे करके ऐड करती जाऊंगी। इसे मिक्स करेंगे ध्यान से। एंड फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्पंजी और इजी मेथड है केक का। अगर आपको केक बिल्कुल भी बनाना नहीं आता है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। मैंने 1 ऑरेंज का जूस निकाला है तो ये 1/2 कप जूस निकला है। अभी मैंने कोको पाउडर ऐड किया है। ये जस्ट फॉर अ चॉकलेट फ्लेवर दिखने के लिए मैंने ऐड किया है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं ऐड करें। ये दिखने में अच्छा लगेगा ब्राउन कलर, इसलिए मैंने ऐड किया। ये मैंने एक टिन का बर्तन ले लिया जिसको मैंने ग्रीस कर लिया है बटर से और डस्ट कर लिया है मैदे से। नाउ अब इसमें मैंने जूस भी ऐड कर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा रोल होता है केक में उसे बीट करना ही। मिक्सर उसका सबसे अच्छा स्मूथ बीट होना चाहिए। तो काफ़ी देर तक मैंने इसको हर इंग्रेडिएंट के साथ बीट किया है। और ये कार्डमम पाउडर मैं ले रही हूँ जस्ट एज अ फ्लेवर एंड फॉर अ नाइस स्मेल। और ये प्रॉपरली मैंने बीट कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब एक कुकर में मैंने ये सॉल्ट लिया है पूरा। सॉल्ट हम सॉल्ट पूरा पैन में नीचे की तरफ डालेंगे ताकि आपका पैन ना दिखे, इतनी मोटी लेयर होनी चाहिए। और अब ये ग्रीस करे हुए कोई भी डब्बा है जो आपके पास इस तरीके का हो वो आप ले सकते हैं। डैप करेंगे अच्छे से। और मैं हमेशा केक इसी में बनाती हूँ अगर प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो। सो नाउ गरम होने के बाद हमने इस कुकर को गरम कर लिया था और अब इसे प्लेस कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। कुकर की हमने रबर लगाई हुई है लेकिन सीटी आउट कर दी है। अब मैं इसे देखिए ये मैंने निकाला है 35 मिनट के बाद लो फ्लेम पे इसे पकने दिया है। काफ़ी ऊपर राइज हुआ था फिर ये अब डाउन भी हो गया है थोड़ा मीडियम पे। और देखिए पूरी स्टिक क्लीन निकल रही है। ये हमारा स्पंजी सा केक बनके रेडी है। ये देखिए इसकी आउटर साइड्स अपने आप ही हट जाते हैं, इतना अच्छा बनता है ये केक, बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है।
अपने आप ठंडा करने के लिए रखें, ये साइड्स छोड़ देगा और वो हम इसे प्लेट आउट करते हैं। इसका सॉफ्टनेस देखिए आप, किस तरीके से स्पंजीनेस है इसमें, बहुत अच्छा, कहीं से भी गीला नहीं है। अब हम इसे, ये देखिए नीचे से पूरा ब्राउन, और इसके साइड्स भी आप देखिए कितने अच्छे हैं। ये ब्राउन पार्ट और भी टेस्टी लगता है खाने में, और इसकी स्पंजीनेस भी बहुत अच्छी है। और ये कम से कम 250 से 300 ग्राम का केक है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और बनाकर देखें, और मुझे बताएं आपको कैसा लगा है। बहुत ही इजी और सिंपल वे में है, मैंने इसको जस्ट नाइट में खाने के टाइम पे बनाया है और ये बिल्कुल उसी टाइम पे रेडी हो गया है, 30 से 40 मिनट में, और ज़्यादा कुछ भी टाइम नहीं लगा इसको प्रिपेयर करने में। सो फ्रेंड्स, ये देखिए अंदर तक पका हुआ है। मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे बताएं कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।